नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है हिच हिच हिचकी। इस कहानी के पात्र हैं रमा, रानी और मम्मी। एक दिन मम्मी ने कचौड़ियां बनाई। रमा ने पूरी चार कचौड़ियां खाई। रमा को जोर जोर से हिचकियां आने लगी। दादी जग में पानी भर कर ले आई। दादी ने खूब सारा पानी पीने को कहा। रमा ने पानी पी लिया पर हिचकी नहीं रुकी। पापा ताली बजाने लगे। पापा ने गाना गाने को कहा। रमा ने गाना गाया पर हिचकी नहीं रुकी। भैया ने सिर के बल खड़े हो जाने को कहा। भैया ने रमा को सिर के बल खड़ा कर दिया। रमा उल्टी हो गई पर हिचकी नहीं रुकी। मम्मी भी रसोई से बाहर आ गईं। मम्मी ने कदम ताल करने को कहा। रमा ने जोर जोर से कदम ताल की पर हिचकी नहीं रुकी। तभी रानी रसगुल्ले का डिब्बा ले आई। रानी ने कहा कि रमा ने दो रसगुल्ले खाए हैं। रमा जोर से चिल्लाई, नहीं, वह बोली, मैंने रसगुल्ले नहीं खाए। यह बोलकर रमा एकदम से चुप हो गई। सब लोगों को हंसी आ गई। सबने देखा कि रमा की हिचकी बंद हो गई थी। हिचकी गायब। रमा एक और कचौड़ी खाने बैठ गई। घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी कचौड़ी खाने लगे। तो सुना बच्चों आपने कि जब हमें हिचकी आती है और कोई अचानक से हमारा ध्यान बटा देता है तो ही हमारी हिचकी अपने आप गायब हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रमा और रानी की इसी तरह की और भी कई कहानियां हैं जो हम आगे सुनते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।